हेलो दोस्तों, ब्लॉग्स गुरु पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको गूगल प्लगइन टूलकिट के बारे में बताऊंगा, जिसको आप अपने वर्डप्रेस साइट पे यूज़ करके एक ही पेज में सारा कुछ गूगल का डेटा ले सकते हो। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इस पे आप गूगल पे जस्ट लिखेंगे गूगल साइट किट प्लगइन, इसको आप जस्ट लिखेंगे। लिखने के बाद ये जो पहला लिंक आएगा, इसको आपको खोल लेना है। तो मैं पहले से ही खोल चुका हूँ इसको। तो देख सकते हो, वर्डप्रेस के लिए गूगल रिसेंटली लॉन्च किया है इस टूल को। इस टूल को आप अपनी वर्डप्रेस पे जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, तो आपको गूगल सर्च कंसोल का फीचर मिलेगा, एनालिटिक्स का मिलेगा, एडसेंस का मिलेगा और पेज स्पीड इनसाइट्स का मिलेगा। यानी एक टूल पे आपको चारों चीज़ मिल रहा है। आपको अलग से ये सारे साइट को खुलना नहीं पड़ेगा। जस्ट एक क्लिक करेंगे तो आपके वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पे ही ये सारे कुछ आपको दिखाएगा, तो आपका सारा डेटा। तो कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं? तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जस्ट गेट डेवलपर बेटा पे क्लिक करना होगा। ये अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है गूगल, पर बहुत जल्दी ये आ जाएगा। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो इसके नीचे है डाउनलोड राइट हेयर, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। तो अभी ये बेटा फॉर्म पे है, कुछ एरर है, पर बहुत ही जल्दी इसको आप सॉल्व किया जाएगा। डाउनलोड फोल्डर पे आ चुका है। तो इसको डालने के लिए वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पे आपको आना होगा पहले। तो इस पे आ जाइए और ऊपर में आप देख सकते हो प्लगइन का सेक्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है, इंस्टॉल प्लगइन और ऐड न्यू प्लगइन। तो आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे उस प्लगइन को अपलोड करना है। क्योंकि गूगल ऑफिशियली इस प्लगइन को अनाउंस नहीं किया है, इसलिए wordpress.org का ऑफिशियल स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको अलग से अपलोड करना होगा। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, चूज फाइल के क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपका डाउनलोड हो चुका है उसको चूज करी और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। वो अपलोड हो जाएगा बहुत ही जल्दी, देख रहे हो नीचे अपलोड हो रहा है, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो देख सकते हो पूरी तरह अपलोड हो चुका है। आपको एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करना है और जो अपलोड पहले हो चुका है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये जो साइट किट बाय गूगल देख सकते हो, ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा गूगल साइट, इस पे आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है ये खुल जाएगा। इस पे आपको बोल रहा है क्रिएट क्लाइंट आईडी, तो क्लाइंट आईडी आपको क्रिएट करना है होगा। तो आपको एक लिंक दिया जाएगा, इस लिंक पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो सेकेंड पेज खुल जाएगा। इस पे आपको गेट क्वाट क्रेडेंशियल, इस पे क्लिक करना होगा, क्योंकि इस ये जो क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन की आपके सामने मांग रहा है, ये जो की आपको मिलेगा यहाँ पे क्लिक करने के बाद। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पे एक कोड आ गया है, इस पे आपको कॉपी का निशान देख रहे हो, इस पे आपको जस्ट क्लिक करना है और एक क्लिक में ही वो कॉपी हो जाएगा। तो आपको वो जो कोड है इस पे पेस्ट कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो क्रिएट क्लाइंट आईडी ऑटोमेटिकली वो वेरीफाई हो गया है। आपको गूगल अकाउंट पे ऑथेंटिकेट करना है, यानी जिस अकाउंट से आपके ये वर्डप्रेस साइट बने हैं, जो ईमेल एड्रेस आपका ऑफिशियल है, उस ईमेल एड्रेस पे आपको लॉगिन होना है, साइन इन विद गूगल, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे गूगल की साइट पे आ जाएगा, और गूगल अकाउंट पे आपको पासवर्ड देके साइन इन करना है। तो देख सकते हो ये जो पहले से ही मैं इस पे अटैच करके रखा हूँ, तो आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेट हो जाएगा और वो जो प्लगइन का पेज है वहाँ पे लेके जाएगा। तो इस पे आपको अलाउ पे क्लिक करना है। तो अलाउ पे क्लिक करेंगे तो उसी पेज में आ गया है, ऑथेंटिकेट भी सक्सेसफुल है और
वेरीफाई यूआरएल, ये सब कुछ कनेक्ट हो गया है। और उसके बाद बोल रहा है कॉन्ग्रेजुलेशन, तो आपको गो टू डैशबोर्ड पे जस्ट क्लिक करना है। बस एक क्लिक पे ये प्लगइन सारा कुछ इंस्टॉल हो गया है। ये सब हुआ है सर्च कंसोल, यानी गूगल सर्च कंसोल का जो सेक्शन है ये जस्ट आप इसके साथ कनेक्ट हुआ है। पर एडसेंस एनालिटिक्स पेज स्पीड डेवलपर ये अभी नहीं हुआ है, तो इसको करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। एडसेंस पे आपको जस्ट क्लिक करना है, और एडसेंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एडसेंस पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और जिस ईमेल आईडी से आपका एडसेंस है वेबसाइट के साथ, उसी ईमेल आईडी को आपको लॉगिन करना है। आशा करता हूँ एक ही ईमेल आईडी आपके सामने आएगा, तो वही करिए, एक ही ईमेल आईडी से ही सब कुछ करिए, इससे आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस पे भी आपको अलाउ पे क्लिक करना है, और ये ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट करके एडसेंस भी अटैच हो जाएगा। तो कुछ चीज़ चेक कर रहा है वो, और कनेक्टिंग हो रहा है। इस पे बोल रहा है ये जो है ये कंटिन्यू करिए, तो कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा और ये भी कनेक्ट हो जाएगा, तो एडसेंस की हिसाब से हो जाएगा। तो उसके बाद आपको फिर से डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, क्योंकि दो और भी बाकी है कनेक्ट होने। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग पे जाना होगा। तो ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पे और नहीं दिखाएगा, तो आपको सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग पे जैसे ही जाएंगे तो इस पे बोल रहा है कनेक्टेड मोर सर्विसेज, तो इस पे आपको एनालिटिक्स को डालना है। उसके लिए आपको सेटअप एनालिटिक्स पे क्लिक करना है, और वो गूगल एनालिटिक्स के साथ ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, और उसी ईमेल एड्रेस से आपको क्लिक करना है। तो ये भी ऑथेंटिकेट हो रहा है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अभी ये SSL सर्टिफाइड नहीं है, इसलिए ये चीज़ दिखा रहा है। तो आपको ये जो एडवांस्ड है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक से देखिए, एडवांस्ड इस पर क्लिक करना है, और गो टू ये अनसेफ है इस पर क्लिक करना है। जो ये जब इसको ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाएगा तब ये आपके सामने SSL सर्टिफाइड हो जाएगा, और ये चीज़ नहीं दिखाएगा। तो अलाउ पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही अलाउ पे क्लिक करेंगे ये भी सेट हो जाएगा। और इस पे आपको अकाउंट वन पे क्लिक करना है, और जो भी नाम से आपके अकाउंट वेरीफाइड है उसी को चूज़ करके आपको इस पे डालना है, और कॉन्फिगर एनालिटिक्स इस पे आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हो तीनों एक्टिवेट हो गया है, और एक है गूगल पेज डेवलपर स्पीड, इस पे भी आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको API की मांगेगा आपके सामने, तो API की देने के लिए इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है, और वो सेकेंड टैब में एक पेज खुल जाएगा। तो देख सकते हो गेट API की, इस पे जस्ट क्लिक करना है, और याद रखिए दोस्तों वही ईमेल एड्रेस से आपको देना होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा API की जेनरेट करने के लिए। तो देख सकते हो इस पे योर API की, तो आपको ये जो कॉपी का निशान है इस पे आपको जस्ट क्लिक करना है, और ये एक क्लिक में कॉपी हो जाएगा। तो आपको जस्ट यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देना है, और प्रोसीड पे क्लिक करना है, और इस पे डन कर देना है। बस आपका काम ख़त्म। जो गूगल साइट किट की तरफ से जो भी सर्विस आपको मिलेगा वो सारा कुछ ऐड हो गया है इस पे। देख सकते हो अलग अलग सा कॉलम भी इस पे लगा है, सर्च कंसोल, एडसेंस, एनालिटिक्स और सेटिंग। ये जो तीनों सर्विस है अभी फिलहाल ये तीनों सर्विस एक्टिवेट है, और आपके सामने सारा कुछ आपके सामने दिखाई देगा। कब आपके कितना अर्निंग हो रहा है, पे स्पीड कितना है वो इस पे चेक कर रहा है, और उसके बाद ही आपको बताएगा आपके साइट का फुल डेटा। तो दोस्तों इस तरीके से आप गूगल साइट किट प्लगइन को बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो, और एक ही पेज में सारा कुछ डेटा आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से देख सकते हो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, और कुछ जानने को भी मिला है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू,
गुड बाय।